आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ स्प्रिंकल्स। ये देखें, ये मेरे पास क्ले है, ये खाने वाली क्ले है, ये खेलने वाली नहीं है, ये आपको मार्केट से इजीली मिल जाएगी। ये देखें, इनको आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। और ये शुगर से बनी होती है। ये देखें, मैंने पाउडर शुगर ली है, जो मोटी चीनी होती है उसको आप पीस लें तो वो पाउडर शुगर बन जाएगी। ओके, ये देखें, मैंने येलो कलर की पहले लिया इसको। ये मैंने नोज़ल से थोड़े से मैंने पहले से काटे हुए थे, और अब हम इसको इस तरह गोल करेंगे। आप कोई भी गोल चीज़ ले सकते हैं, या फिर आपको जो भी आपको शेप अच्छी लगती हो आप वो भी ले सकते हैं। ये देखें इस तरह से, और अब मैं इनको निकाल लूँगी, और साथ टूथपिक की मदद से मैं इनको निकालूँगी और फिर सारे इसी तरह करती हूँ। मुझे कमेंट किया करें, मुझे आपके कमेंट पढ़ना बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखें, इस तरह मैं इनको नोज़ल की मदद से उतारूँगी। ये देखें, अब मैं ये पर्पल क्ले ले रही हूँ, और पहले मैं नीचे पाउडर शुगर लगाऊंगी। हम जितनी कम पाउडर शुगर लगाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा, उतनी ज़्यादा अच्छे हमारे स्प्रिंकल्स बनेंगे। ये देखें, और अब मैं क्ले को इसके ऊपर इस तरह करूँगी, और फिर इसको दोबारा पाउडर शुगर ऊपर छिड़कूँगी। अब मैं इसको बेलूँगी। ये देखें इस तरह, ये देखें, ये मैंने बेल लिया। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आइंदा आपको नई वीडियो मिले। ये देखें, अब मैंने दो नोजल दिए हैं, एक स्टार शेप और एक गोल शेप। ये देखें इस तरह, अब मैं इनको निकालूंगी। आप देख सकते हैं वो जब मैं इनको गोल करती हूँ तो वो अंदर आ जाते हैं उस तरह से। ये देखें, अब मैं इनको निकालती हूँ। ये देखें कितने छोटे से और क्यूट से बने हैं। इसी तरह मैं आप सारे करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। देखें, ये देखें, आप येलो भी देखें और आप ये पर्पल ये भी देखें। अब मैं इनको दोबारा करती हूँ इस शेप से। देखें, आप कोई भी नोजल की शेप ले सकते हैं और उसको इस तरह से गोल करें। अब मैं रेड लेती हूँ और इसको मैं बेलती हूँ। अगर आपने क्ले फ्रिज में रखी हुई है तो आप इसको पहले सॉफ्ट करें, फिर आप इसके स्प्रिंकल्स बनाएं। अब ये देखिए, मैं पाउडर शुगर दोबारा से इसी तरह छिड़कती हूँ और फिर इसको मैं बेलती हूँ। आप जितनी कम से कम पाउडर शुगर को आप छिड़केंगे उतनी ज़्यादा अच्छी क्ले बनेगी। ये देखें, ये बन गया है। अब मैं एक नोजल से इसको गोल करती हूँ, इसकी शेप बनाती हूँ। ये देखें, और फिर इसको इस तरह निकालती हूँ। ये देखें, अब मैं इसकी बैक साइड लेती हूँ और फिर इसको इस तरह करती हूँ। तो ये देखें, ये मून बन गए। और ये देखें, सारे मैं इसी तरह करती हूँ और कुछ मैं गोल भी करती हूँ। ये देखें इस तरह सारे करती हूँ। अब आप ये देखें, जो भी मैं जितने भी स्प्रिंकल करती हूँ वो सारे पीछे आ जाते हैं। और फिर अब मैं इनको निकालती हूँ। ये देखें, आप देख सकते हैं, आप कोई भी गोल या अपनी पसंद से आप कोई भी शेप ले सकते हैं।
माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आइंदा आपको नए वीडियोस मिलती रहे। ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। देखें आप इसको केक के ऊपर लगाएं, कपकेक के ऊपर लगाएं। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर